इस शहर को बचाने अब आ गया एक मसीहा। मैं तुम्हें मेरे घर को तोड़ने नहीं दूंगा। बीच में मत पड़ो, ना समझ? तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे नहीं, अरे नहीं, अब हम कभी राजा नहीं बन पाएंगे। मजा आ गया। चटो पीछे, महान चोटी वाले बाबा आ रहे हैं। हट जाओ, हट जाओ, सावधान, महान चोटी वाले बाबा बाहर आ रहे हैं। हट जाइए, मैं बहुत ही बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी बीमारियों का इलाज जानता हूँ। अगर वो दूसरों की किस्मत बदल सकते हैं, तो वो खुद की किस्मत क्यों नहीं बदल सकते, बोलो? ताज़ा और ठंडा पानी पीजिए, ताज़ा और ठंडा पानी पीजिए। बहुत गर्मी है, चलो वापस चले। हम एक बहुत अच्छा काम करने आए हैं, हम गर्मी से हार नहीं मान सकते। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अच्छा काम करने आए हो, लेकिन पानी पिलाने से तुम हीरो तो नहीं बनते। किसी की भी मदद करो तो आप हीरो बन जाते हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस गर्मी में मछलियों से मिलकर आते हैं, बीच पर ठंडी ठंडी हवा होगी ना। चलते रहो, चलते रहो। सुनिए, तुम कौन हो? आपको पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। आप बहुत जल कर आए होंगे ना, और आपको प्यास भी लगी होगी। ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी। हमने सारा दिन फॉलो किया, उसके बैग पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए था। जरूर उसमें खजाना है। अच्छा ये बताओ कि हम अपना कदम कब उठाएंगे? हमें इंतजार करना होगा जब तक पता ना चल जाए उसके पास क्या है, समझे? जाओ, जरा ध्यान से ध्यान से। मुझे बहुत प्यास लगी। वो जरूर जासूस होगा, और ठंडे पानी में जरूर कोई चीज मिलाया होगा। थोड़ा जल्दी चलो। चलो उन्हें जरूर इस पानी में गड़बड़ लग रही होगी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारा पानी पिया? पद्मा, तुम बहुत ही भोली हो। जो बुरे काम करते हैं उन्हें हर एक इंसान में अपना दुश्मन ही दिखता है। वो जरूर कुछ चोरी करके भागी होंगी। चलो पीछा करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। भाई चलो चलकर लड़ते हैं। जल्दबाजी मत करो, सोते हुए कुत्ते को मत जगाओ। मैंने एक टेस्ट प्लान किया है।
ये चोर हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम सिर्फ चलते चलो जब तक इनकी असलियत हमारे सामने खुल ना जाए। चलते चलो, बस चलते चलो। अरे भाई, ये पैतरा तो काम नहीं आया। अगर हम इन्हें सही तरीके से सबक सिखा दें तो कैसा रहेगा? तुम क्या कहते हो? बिल्कुल, ये लो मेरी गोल्डन चीज़। जल्दी बाहर आ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लगता है मुझे अभी से सबक सिखाना होगा। अरे अरे, ये तो कछुआ है। ये तो कछुआ निकला। ये कोई मामूली कछुआ नहीं है, बहुत चालाक कछुआ लगता है मुझे। अगर हमारे में से किसी को कछुआ काबू में करना आता हो तो हम आसानी से दुश्मन को मार सकते हैं। वैसे हमारे पड़ोसी काफी टैलेंटेड हैं। अरे, ये लोग तो उस कछुए को परेशान कर रहे हैं। हमारा मार्शल एक सीक्रेट था, तो इन चोरों को ये सब कैसे पता चला? क्या हमारे घर में भी कोई जासूस है? कसम से, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, वाकई किसी को नहीं। और अब ये चूजे को भेज दिया। संभल कर रहना, ये बहुत ही खतरनाक चूजा है। लोकीले पंजे और दांतों से ये लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल कर सकता है। ये काला काला दिख रहे हो, ये जानलेवा है। मुर्गे को तंग करना तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं। मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही वक्त है। पर क्या कुंग फू ड्रैगन उससे लड़ेगा? कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इधर से जाओ। सेठ जी, दुश्मन हमसे ज्यादा है, तुम पहले जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा छोटू। सेठ जी, मुझे जाना ही होगा, अपना ख्याल रखना। सेठ जी, जा रहे हो? सेठ जी, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अपना तलवार और वार और फूल आया हूँ। सेठ जी, अब कहाँ जाएगा? हमने उसे पकड़ लिया। तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर बेटा बेटा चाहिए तो हमें खजाना देना दे दो। तो मुझे उसको वापस कर दो, वापस कर, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ लूट ले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी को परेशान नहीं करने दूंगा, समझे? ये मेरा तरीका नहीं है। मैं यहाँ रुकता हूँ और देखता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तुम भी यहाँ चोर को पकड़ने आए हो? मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि इतने लोगों को साथ में लेकर उसे जाने दो। उसे चोर पहुँचा रहे हो। तुम मेरे मोजे ले लो। अगर ये चोर है तो ये भागा क्यों नहीं? यही बात मेरे दिमाग में भी आ रही है। तुम्हें कैसे चोर हो जिसके दिमाग में भूत भरा हुआ है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम लोग कोई चोर नहीं है, हम एक ईमानदार बिजनेसमैन है, गुंडे नहीं। क्या बोले? तुम कहीं नहीं जा सकते। पकड़े गए। मेरे सामान पर तुम लोगों की नजर है ना? अरे मेरा बैग। ये इतना भारी क्यों है? मुझे मेरा बैग दे दो।
जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सुनो मेरे आलू भाई को छोड़ दो। क्या ये मुझे मारेंगे? तुम लोग चोर के साथ क्यों खा रहे हो? देखो रेस्टोरेंट को, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ये लोग चोर नहीं है। हाँ भाई सुनो, इनके बहकावे में मत आना। तुम ही जासूस हो, तुम उनके लिए मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ से लात मार कर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें इतने परेशानी देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर हुआंग और कुंग फू ड्रैगन ने एक दूसरे को चोर समझा। चोर तो ये तीनों भाई ही है। ये है किसका?